Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are discussing the topic labor from the book Olivier Blanchard, chapter number 6. Alag editions mein chapter number aage piche ho sakta hai, waise chapter 6 se mere paas jo edition hai usme. Ab tak hum log labor force participation rate pad chuke, unemployment ka matlab pad chuke, एफिशिएंसी वेजेस पढ़ चुके. उसके बाद वी स्टडीड वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट. वेज सेटिंग में वेज सेटर्स वेजेस तय करते हैं, प्राइस सेटिंग में फर्म्स प्राइस तय करती है और उससे रियल वेज हम अंदाजा लगाते हैं. एक ऐसी सिचुएशन वेयर द रियल वेजेस फ्रॉम वेज सेटिंग आर इक्वल टू रियल वेजेस फ्रॉम प्राइस सेटिंग. When real wages from wage setting are equal to real wages from price setting, such a situation is known as equilibrium in the labor market. Right? लिख लीजिए. When real wages chosen from wage setting relation are equal to real wages chosen from price setting relation, then such a situation gives equilibrium in the labor market. Equilibrium in the labor market. And the unemployment rate at this equilibrium, the unemployment rate at this equilibrium is called natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment. अब ये natural rate of unemployment के बारे में मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा. और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हम ये टॉपिक लेबर पढ़ेंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, फिर फिलिप्स का वोकुंस लॉ, सब जगह ये नेचुरल रेट का डिस्कशन होता रहेगा. ये बार 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 घूम के हमारे सामने आएगा. टॉपिक ऐसा है जो कई दफा घूम के हमारे सामने आएगा. टॉपिक ये वाला एक बार नहीं होगा, कई बार आएगा. ठीक है, तो आप जानते हैं कि वेज सेटिंग रिलेशन क्या होता है. व्हाट इज वेज सेटिंग रिलेशन? वेज सेटिंग रिलेशन हमने पढ़ा, डब्ल्यू बाय पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैच ऑल वेरिएबल. प्राइस सेटिंग रिलेशन क्या होता है? वहां पे हमने पढ़ा डब्ल्यू बाय पी इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस प्रॉफिट मार्जिन म्यू. ठीक है, फिर से याद दिला देता हूं, ये यू है, ये अलग है, ये म्यू है, ये प्रॉफिट मार्जिन अलग है. यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और म्यू प्रॉफिट मार्जिन है. वो टर्म्स ऐसी चुन लिए इन्होंने ना, तो बार बार कंफ्यूजन रहता है. कई बार बच्चों को क्लास में बताना पड़ता था कि भाई ये यू है और ये म्यू है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ताकि ध्यान हो जाए डिफरेंसेस दोनों में. अब कहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां पर रियल वेजेस फ्रॉम वेज सेटिंग आर इक्वल टू रियल वेजेस फ्रॉम प्राइस सेटिंग. अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा. फॉर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या होगा? रियल वेजेस फ्रॉम वेज सेटिंग रिलेशन आर इक्वल टू रियल वेजेस फ्रॉम प्राइस सेटिंग रिलेशन. यानी एफ यू जेड इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस म्यू. तो जहां पर एफ यू जेड इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस म्यू है, वो क्या है? दिस गिव्स यू द इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट. और मैंने बताया इस इक्विलिब्रियम लेवल पर जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भी और डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर में अभी. एट इक्विलिब्रियम वी हैव यू इज इक्वल टू यू एन. यू एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो यानी क्या हो गया मेरे पास? एफ ऑफ यू एन कॉमा जेड इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस यू.
वन बाय वन प्लस म्यू, ये जो रिलेशन है एफ यू एन कॉमा जेड इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस म्यू, ये क्या दे रहा है? दिस रिलेशन गिव्स इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट. इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम लोग. आपको मैंने वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग के डायग्राम्स बनाने सिखाए हुए हैं. वी कंसिडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हेयर एट एक्स एक्सिस. इसको हम यू से डिनोट करते हैं. वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग रियल वेजेस. नाउ दिस इज द वेज सेटिंग रिलेशन और दिस इज द प्राइस सेटिंग रिलेशन. एट वन बाय वन प्लस म्यू बोथ दीज कर्व्स क्लियर ईच अदर एट पॉइंट ई. सो ई गिव्स यू द इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट. कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू एन. वी कॉल इट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इस डायग्राम को आप बना लीजिए, लिख लीजिए. द वेज सेटिंग रिलेशन एंड द प्राइस सेटिंग रिलेशन क्लियर ईच अदर. द वेज सेटिंग रिलेशन एंड द प्राइस सेटिंग रिलेशन क्लियर ईच अदर एट पॉइंट ई. सो ई रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई दैट इज यू एन. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई दैट इज यू एन इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यूएन को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहां बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो मैंने आपको बात कहां से शुरू की? मैंने बात यहां से शुरू की कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पर रियल वेज फ्रॉम वेज सेटिंग इज इक्वल टू रियल वेज फ्रॉम प्राइस सेटिंग. तो यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जहां पर रियल वेज फ्रॉम वेज सेटिंग इज इक्वल टू रियल वेज फ्रॉम प्राइस सेटिंग. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सच अनएम्प्लॉयमेंट रेट. द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सच अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर विच रियल वेज फ्रॉम वेज सेटिंग रिलेशन इक्वल्स रियल वेज फ्रॉम प्राइस सेटिंग रिलेशन. वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां पर रियल वेज फ्रॉम वेज सेटिंग रिलेशन इक्वल है रियल वेज फ्रॉम प्राइस सेटिंग रिलेशन के, उसको बोलते हैं क्या? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के. अब जिसने ये नाम रखा उसने क्या सोच के रखा होगा कि ये वो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का जहां इकॉनमी बार बार अपने आप लौट आएगी. आप इसको पुश करके यहां से दूर लेके जाएंगे, इकॉनमी वापस यहीं आ जाएगी. आप फिर दूर लेके जाएंगे, फिर वापस यहीं आ जाएगी. ये एक ऐसा रेट है जहां इकॉनमी को लॉन्ग रन में आके खड़े हो जाना है. आप शॉर्ट टर्म में इसको डेविएट करा सकते हैं दाएं बाएं, लेफ्ट टू राइट डेविएशन करा सकते हैं, मगर अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस यहीं आके रुकेगा. इसलिए उन्होंने कहा इसको नेचुरल रेट. अब क्या है, देखिए जो हमारे जो हम जिनकी बुक पढ़ रहे हैं ऑलिवर ब्लैंचर्ड, उनका कहना है कि यहां पे कुछ भी नेचुरल नहीं है. बेसिकली इसका नाम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्ट्रक्चरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे. ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन फर्म्स कितना लेंगे आपकी इकोनॉमी में, कैसी सिचुएशन, उस पे डिपेंड करता है. तो म्यू ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? म्यू पे डिपेंड कर रहा है. ये डिपेंड कर रहा है कैच ऑल वेरिएबल के ऊपर, जेड के ऊपर. तो बेसिकली ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है. तो इसका नाम ज्यादा बेहतर होगा कि स्ट्रक्चरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो. लेकिन क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हो गया तो ऑथर बोलते हैं कि मैं अब इस नाम के साथ चलता हूं. भले ही मैं एग्री नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑथर की बात कर रहा हूं, ऑलिवर ब्लैंचर्ड की बात कर रहा हूं. उनका कहना है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, फिर भी ठीक है चलते हैं इसके साथ, इस नाम के साथ, क्योंकि पॉपुलर हो गया इसलिए इस नाम के साथ चलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ चलते हैं. ठीक है, अब समझिए बात को यहां से आगे. अब एक बार जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो क्या इस इक्विलिब्रियम से हम डेविएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हमने पढ़ा था वे सेटिंग रिलेशन शिफ्ट हो सकती है. अगर z में चेंज होता है कैच ऑल वेरिएबल में तो वे सेटिंग में शिफ्टिंग होती है. हमने पढ़ा था अगर म्यू चेंज होता है तो प्राइस सेटिंग में शिफ्टिंग होती है. इनमें से कोई एक शिफ्ट हो जाए या दोनों शिफ्ट हो जाए तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है. ठीक है,
ऑब्वियसली ये जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये रोज नहीं हो सकते, एक लंबे पीरियड में होते हैं, डिकेड्स के अंदर होते हैं। तो ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको नजर आएगा कुछ चेंजेस होते हुए, तब ये शिफ्ट होगा। शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं नेचुरल रेट के अंदर। तो लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशन। इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है। दी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, एंड द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन, डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन। एनी शिफ्ट इन ईदर वेज सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन विल कॉज अ चेंज इन द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, विल कॉज अ चेंज इन द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड हेंस चेंज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर मैं हिंदी में बोल दूं इस बात को, तो कहानी ये है कि ये जो आपके सामने यूएन आया है, जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, ये डिपेंड करता है वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग के रिलेशन के ऊपर, के पोजीशन के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी एक या दोनों शिफ्ट हो जाएं, तो यूएन भी चेंज हो जाएगा। अब ये वेज सेटिंग कब चेंज होता है सर? वेज सेटिंग तब चेंज होता है कि अगर जो कैच ऑल वेरिएबल है उसमें कोई चेंज आ जाए, तो अगर कैच ऑल में चेंज आ जाए तो वेज सेटिंग चेंज शिफ्ट कर जाता है। और प्राइस सेटिंग कब चेंज करता है? प्राइस सेटिंग चेंज करता है कि अगर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। वेज सेटिंग को चेंज होने के बहुत सारे रीजन बताए थे, कैच ऑल के बहुत सारे मैं फैक्टर्स बताए थे, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में चेंज हो जाए, या फिर मिनिमम वेजेस चेंज हो जाए, या वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, या स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए इकॉनमी के अंदर, वो सब फैक्टर्स लिखवाए थे, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो आगे लिखिए, वेज सेटिंग कैन शिफ्ट ड्यू टू वेज सेटिंग रिलेशन कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन द कैच ऑल वेरिएबल जेड। फॉर एग्जाम्पल द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीजेस। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने बताया था। अब वर्कर्स जिनको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, उनको लगता है भाई अब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो गई है, तो वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीजेस, द वेज सेटिंग रिलेशन शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट, शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट फ्रॉम WS2 WS1। तो इसके चेंज होने से वेज सेटिंग रिलेशन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ द इकॉनमी मूव्स अलॉन्ग द प्राइस सेटिंग कर्व, प्राइस सेटिंग कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट ई डैश। इक्विलिब्रियम मूव करेगा कहां पे, देखिए हम प्राइस सेटिंग पे, क्योंकि प्राइस सेटिंग चेंज नहीं हुआ, इसलिए प्राइस सेटिंग कर्व के ऊपर मूवमेंट करेंगे, फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट ई डैश। एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज फ्रॉम यूएन टू यूएन डैश। तो अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बढ़ जाता है तो वेज सेटिंग में राइट पर शिफ्ट आएगा, हमारा जो लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो मूव करेगा ई से ई डैश पे, और मूवमेंट होगी अलॉन्ग प्राइस सेटिंग रिलेशन। और इस मूवमेंट पे क्या होगा, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूएन से यूएन डैश पे चला जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो रियल वेज है वो चेंज नहीं होने वाली, वो वहीं रहेगी 1/1+ म्यू के लेवल पे, क्योंकि म्यू चेंज नहीं हो रहा है। आगे लिख लीजिए, इन दिस एंटायर प्रोसेस द रियल वेज रिमेन्स अनचेंज एट द लेवल ऑफ 1/1+ म्यू। इस लेवल पर वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है, क्लियर होगी बात। सेकेंड लिखिए, दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस सेटिंग रिलेशन।
इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस या इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन प्राइस सेटिंग रिलेशन, अगर प्राइस सेटिंग में शिफ्ट आ जाए तो क्या होगा? प्राइस सेटिंग रिलेशन कैन शिफ्ट, प्राइस सेटिंग रिलेशन कैन शिफ्ट व्हेन व्हेन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म चेंजेस, व्हेन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म चेंजेस, अगर फर्म का प्रॉफिट मार्जिन चेंज होता है तो प्राइस सेटिंग शिफ्ट करता है. एंड फर्म कैन चेंज प्रॉफिट मार्जिन इन केस ऑफ, फर्म कैन चेंज प्रॉफिट मार्जिन इन केस ऑफ लेस स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट, लेस स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज. एंटी ट्रस्ट लॉ मतलब एंटी मोनोपोली लॉ होता है. एंटी मोनोपोली लॉ को एंटी ट्रस्ट लॉ बोलते हैं. ठीक है, मोनोपोली को हम नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अगर एक ही फर्म हो जाए तो वो मनमाना प्राइस चार्ज करेगी कंज्यूमर से, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेगी फिर तो वो. इसलिए हम चाहते हैं कॉम्पिटिशन रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी ट्रस्ट लॉ बनाते हैं. लेकिन उसका अगर एनफोर्समेंट लेस स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा सख्ती से कड़ाई से उसका पालन नहीं हो रहा, अगर बस कानून बना दिया लेकिन देख नहीं रहा उस तरफ कोई, तो फर्म्स क्या करेंगी, अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगी. पहले मैं डायग्राम बनाता हूं फिर समझाता हूं. नीचे ले रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको यू बोलते हैं, यहां पे ले रहे हैं रियल वेजेस, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू बाई पी. हमारा रियल वेज इनिशियली इस लेवल पर है, प्राइस सेटिंग यहां पर है, पी एस वन बाय वन प्लस म्यू, ये वेज सेटिंग है. थोड़ा सा ज्यादा इसको स्टीप बनाते हैं. और इक्विलिब्रियम हमारा एट पॉइंट ई, यहां पे है यूएन. अब देखिए, अगर गवर्नमेंट लेस स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट कर रही है तो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है. सरकार का काम है रोकना, वो रोक नहीं रही. अब रोक नहीं रही तो फर्म्स क्या करेंगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगी. फर्म्स अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगी तो ये जो प्राइस सेटिंग है ये क्या करेगा, इसमें डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा, फ्रॉम पी एस टू पी एस वन शिफ्ट आएगा, क्या डाउनवर्ड, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम मूव करेगा, क्योंकि वे सेटिंग चेंज नहीं हो रहा, तो इट विल मूव अलॉन्ग द वे सेटिंग रिलेशन फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट ई डैश. और यहां पर भी आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा यूएन से यूएन डैश पे, और रियल वेज कम हो जाएगी एट द लेवल ऑफ वन बाय वन प्लस म्यू डैश पे. ठीक है, म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू. तो लिखिए, बाय लेस स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज, बाय लेस स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज, the firms increase their profit margins, firms increase their profit margins from mu to mu dash. firm profit margin बढ़ा लेते हैं, mu से mu dash पे चला जाता है profit margin उनका. ठीक है, with this the price setting relation shifts downwards from PS to PS1. आपका price setting नीचे shift करेगा. बहुत simple सी बात है sir. कोई बच्चा अगर भूल गया, लास्ट क्लास में बताया था, प्राइस सेटिंग होता है डब्ल्यू बाई पी इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस म्यू. ये एक कांस्टेंट लेवल पर है, अगर म्यू बढ़ेगा तो सर्टेनली वन बाय वन प्लस म्यू की वैल्यू फॉल करेगी, तो प्राइस सेटिंग नीचे आ जाएगा. द प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप फ्रॉम पी एस टू पी एस डैश, फ्रॉम पी एस टू पी एस वन, द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकॉनमी या इक्विलिब्रियम ऑफ द लेबर मार्केट मूव्स अलॉन्ग द वेज सेटिंग रिलेशन. Equilibrium of the labor market moves along the wage setting relation from point E to point E dash. At E dash, the natural rate of unemployment has increased from UN to UN dash. ये बढ़ गया, UN से UN dash पे आ गया आप. And the real wages have decreased from 1 by 1 plus mu to 1 by 1 plus mu dash. सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं आप लोग,
म्यू डैश म्यू से बड़ा है तो वन प्लस म्यू डैश बड़ा होगा वन प्लस म्यू से, कोई नंबर अगर बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, यानी वन बाय वन प्लस म्यू डैश इज लेस देन वन बाय वन प्लस म्यू। तो इस सारी प्रोसेस में क्या हुआ, इस सारी प्रोसेस में ये आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ गया और साथ साथ रियल वेजेस भी फॉल कर गई। पिछली बार क्या हुआ था, जब वेज सेटिंग में शिफ्ट आया था तो सिर्फ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, रियल वेजेस में कोई चेंज नहीं आया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रियल वेजेस भी फॉल कर गई हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे हमने पढ़ा है यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा लेबर मार्केट का। समझ गए बात को, क्लियर है? तो अब तक हमने एक मेजर पार्ट इस चैप्टर का पढ़ लिया, हम रियल वेजेस को पढ़ चुके, हम लोग हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि वेज सेटिंग क्या है, प्राइस सेटिंग क्या है, उनका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कौन से फैक्टर्स की वजह से वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग शिफ्ट करता है, उसके शिफ्ट करने से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। और ये टॉपिक जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बार 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 आएगा, अभी लेबर पढ़ रहे हैं इसमें आएगा, एग्रीगेट सप्लाई में आएगा, फिलिप्स कर्व में आएगा, ओकुंस लॉ में आएगा, उसके आगे भी कई जगह आएगा। ठीक है, क्लियर? और फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेरी बच गई है जो आपको लगा कि अभी आपको आंसर नहीं मिला उसका, तो आप नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, और जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं कोर्स में वो तो ऑब्वियसली डाउट सेशन में आकर डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।